मानव इतिहास की सबसे भीषण लड़ाई महाभारत की लड़ाई केवल 18 दिन चली थी। प्रथम विश्व युद्ध 5 और द्वितीय विश्व युद्ध 6 साल तक चला। युद्ध तभी समाप्त होता है जब जीतने वाली साइड या तो युद्ध विराम लगा दे या फिर दुश्मन को ही मिटा दे। अगर इसराइल और फिलिस्तीन के संघर्ष की बात करें तो 1948 से अब तक 75 साल का समय हो गया, लड़ाई है कि खत्म ही नहीं हो रही। लेकिन इस बार देखने से लग रहा है इसराइल इस कहानी में फुल स्टॉप लगाने के मूड में है। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होएगी, वीडियो लाइक करेगा कब। हेलो और नमस्कार मित्रों, इसराइल के राष्ट्रपति बेन्यामिन नेतन्याहू जब भारत आए थे तो गुजरात के साबरमती आश्रम गए थे और गांधी अंकल वाला चरखा भी चलाया था, लेकिन वो ना तो चरखा साथ ले गए और ना ही चरखे की शिक्षा। इसीलिए आज वो जानते हैं कि आतंकवादी संगठन हमास का जवाब उन्हें कैसे देना है। वैसे तो ये संघर्ष 75 साल पुराना है, लेकिन इस बार लग रहा है कि किसी ना किसी निष्कर्ष पर यह कहानी पहुंच जाएगी। इसराइल के साथ अच्छी बात यह है कि वो दुनिया क्या सोच रही है उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देता। दूसरा, उन्हें अपनी ताकत पर भरोसा है और उन्होंने इंतजाम भी वैसे ही कर रखे हैं। आजकल तो दो ही चीजों की चर्चा दुनिया भर में चल रही है, एबी डिविलियर्स की 360 डिग्री बैटिंग और इसराइल का 360 डिग्री आयरन डोम। अब ये आयरन डोम क्या है, आइए समझते हैं। वीडियो देखकर आपको लग रहा होगा कि दिवाली के पटाखे फूट रहे हैं, लेकिन ये है इजराइल का ग्राउंड टू एयर एंटी मिसाइल सिस्टम, जिसे आयरन डोम कहते हैं। अगर साधारण भाषा में समझना चाहें तो रामायण सीरियल में आपने मेघनाद और लक्ष्मण का युद्ध तो देखा ही होगा। उसमें मेघनाद अग्नि अस्त्र छोड़ता था तो लक्ष्मण इधर से वरुण अस्त्र छोड़ देते थे, मेघनाद सर्प अस्त्र छोड़ता था तो लक्ष्मण गरुण अस्त्र छोड़ देते थे। दोनों अस्त्र हवा में टकराते थे, पानी से आग बुझ जाती थी और गरुड़ से सांप मर जाते थे, और मेघनाथ का हर अस्त्र बेकार। बस उसी का आधुनिक रूप है आयरन डोम। जैसे ही गाजा पट्टी से हमास की ओर से कोई रॉकेट छोड़ा जाता, आयरन डोम के सेंसर उसे इंटरसेप्ट करके एंटी रॉकेट मिसाइल छोड़ते हैं और हवा में ही फिलिस्तीन का रॉकेट गिरा देते हैं। इसीलिए हजार से भी ज्यादा रॉकेट मारने के बाद भी इसराइल में मरने वालों की संख्या 7 तक ही पहुंची है, जबकि इसराइल के हमले में अब तक हमास ने 109 लोगों के मरने और 480 के घायल होने की बात की है। लेकिन लगता नहीं कि ये संख्या सही होगी, क्योंकि जिस तरह ताबड़तोड़ हमले इसराइल ने कर रखे हैं, जिस तरह मलबे के ढेर फिलिस्तीन में लगे हुए हैं, लगता नहीं कि कोई गिन पा रहा होगा कितने लोग मरे। अब ये वीडियो देखिए। वैसे कैमरामैन की दाद देनी पड़ेगी, भाई ने काम नहीं छोड़ा अपना। इसराइल ने हमास के एक मुख्य कमांडर को भी कल ही निपटा दिया था और आज उन्होंने 3 बिल्डिंग्स को उड़ा दिया है जिसमें हमास के अधिकतर ऑफिस थे। अब इसराइल ने चारों तरफ से फिलिस्तीन को पेलने का प्लान बनाया है और अपने 9,000 रिजर्व सैनिकों के साथ टैंक और मिसाइल्स को गाजा के बॉर्डर पर तैनात कर दिया है। अब ये किसी को नहीं पता कि इसराइल खाली हमास को बजाएगा, उसके मुख्यालय पर बमबारी करेगा या पूरे गाजा पर ही हमला कर देगा। हमारे अविश्वसनीय सूत्रों ने तो यह भी बताया है कि हमास वाले सोनू सूद से 5 रफेल मांग रहे हैं और सोनू ने देने का वादा भी कर दिया है। पाकिस्तान भी कह रहा है कि हम भी इसराइल से लड़ेंगे, बस कोई गाजा तक जाने का बस का किराया दे दे।
अब जो तेरा मेरा रिश्ता क्या वाले हैं उनकी नींद उड़ गई है, जिसके नाम पर वो चंदा इकट्ठा करते हैं, जिसके नाम पर मदरसों में जहर घोलते हैं, वो फिलिस्तीन ही मिट गया तो उनकी दुकान कैसे चलेगी। वैसे भी पिछले 75 साल में इजराइल ने शांति दूतों को अपनी जमीन से ऐसे बाहर निकाल कर फेंक दिया है जैसे गन्ने का रस निकालने के बाद उसके छिलके फेंक देते हैं। उधर अमेरिका के सेकुलर राष्ट्रपति जो बाइडन ने नेतन्याहू को फोन पर बात की और कह दिया कि आपको जो करना है करो, मैं आपके साथ हूँ। नहीं, इसलिए नहीं कहा कि उसका सेकुलरिज्म का भूत उतर गया है और ट्रंप की आत्मा उसमें आ गई है, बल्कि इसलिए कहा है कि कुछ कहो ना कहो, इजराइल करेगा तो वही जो उसे करना है और जो उसकी जनता की रक्षा के लिए जरूरी है। इसलिए मना करके अपनी इज्जत क्यों घटाना, हाँ कर दो। अच्छा, उधर से लेबनान जैसे चंगू मंगू आए फिलिस्तीन की सहायता करने को, 3 रॉकेट भी छोड़े लेकिन सुना है 3 समुद्र में जाकर गिर गए। मैं तो बोल रहा हूँ जानबूझकर समुद्र में फेंके हैं, क्योंकि एक भी इजराइल को लग जाता तो वो लेबनान का बम मार मार कर तंदूरी नान बना देगा। उधर अरब देश अपने संगठन OIC, हिंदी में बोले तो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉपरेशन की मीटिंग बुला रहे हैं कि भैया कैसे शांत करें इसे, इससे तो मजहब खतरे में आ गया है। लेकिन रूस, इंग्लैंड, फ्रांस और भारत जैसे देश चुपचाप बस खेल देख रहे हैं। सब शांति दूतों से वैसे ही परेशान हैं, सोच रहे हैं हमसे तो ना हो पाया, चलो कम से कम इजराइल तो इनको इनकी भाषा में जवाब दे रहा है। बाबा का आज का भ्रम ज्ञान है कोरोना से बचने के घरेलू नुस्खे ढूंढने वालों के नाम। आपको आयुर्वेद और प्राणायाम का सहारा लेना चाहिए। अब तो इंसान तो क्या, जब से पता चला है कि शेरों में भी कोरोना फैल रहा है तो शेर भी कपालभाति करते नजर आ रहे हैं। अगर आप भी इजराइल की लड़ाई का खात्मा चाहते हैं तो कृपया लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि खुशियां बांटने से बढ़ती हैं।